मॉडल ऑफ कंप्लीमेंटेरिटी बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वन जब हम बात करते हैं कैपिटल इकाम की इन इंडस्ट्रियल सेक्टर तो ये जो कैपिटल इकामुलेशन है इट कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर कि एग्रीकल्चर बेसिकली प्रोवाइड द पोटेंशियल फॉर कैपिटल इकाम इन द इंडस्ट्री बाई प्रोवाइडिंग जी मार्केटेबल सरपलस होगा देयर इज प्रोडक्शन ओवर द सबसिस्टेंस लेवल

रेफरेंस टू इंडस्ट्री सप्लाई जी जब हम लो फूड प्राइसेस की बात करेंगे इट इज गुड फॉर इंडस्ट्री सप्लाई लेकिन जब हम हाई फूड प्राइसिस की बात करेंगे इट इज गुड फॉर द इंडस्ट्रियल डिमांड बट नॉट फॉर गुड फॉर इंडस्ट्रियल सप्लाई सो देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट वेदर द फूड प्राइसिस शुड बी हाई आर लो जब आप एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात करते हो तो ये एग्रीकल्चरल ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ हाउ मच इन्वेस्टेड रिलेटिव टू आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कि जो भी एग्रीकल्चरल आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है इसमें से कितना आपने इन्वेस्ट किया है और फिर उसके साथ साथ व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ हाउ मच इन्वेस्टमेंट गुड्स इन एग्रीकल्चर फिर एक और चीज जो यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट गुड्स एग्रीकल्चर गेट फ्रॉम द इंडस्ट्री ये डिपेंड करेगी ऑन द प्राइसेस ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड रिलेटिव टू फूड जब हम बात करते हैं प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड रिलेटिव टू फूड तो इसको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इफ देर इज हाई प्राइसेस द इन्वेस्टमेंट गुड्स देन वहां पे क्या होगा देयर इज लोअर ग्रोथ सप्लाई कैपेसिटी ऑफ द एग्रीकल्चर इफ द प्राइसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड इज हाई तो जो सप्लाई कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ सप्लाई कैपेसिटी है एग्रीकल्चर की दैट विल बी लो अगर हम यहां पे एक एसोसिएशन देखें बिटवीन इंडस्ट्रियल टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ग्रोथ तो हम यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं देयर इज नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल टर्म्स ऑफ ट्रेड जब हम इंडस्ट्रियल टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो हमने इसको डिफाइन किया था इट इज द प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स रिलेटिव टू फूड इफ प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स जी अगर अगर मैं इस रेशो को कंप्यूट करूं प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड टू फूड अगर वो वैल्यू हाई हो तो आप कह सकते हो देर इंडस्ट्रियल टर्म्स ऑफ ट्रेड आर बेटर और अगर इसकी वैल्यू कुछ लो आए तो हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल टर्म्स ऑफ़ ट्रेड आर रिलेटिवली लो हाई कब होंगी जब प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स आर हाई और लो कब होंगी व्हेन प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स आर लो लेकिन जब हम प्राइस ऑफ फूड अगर यहाँ पे कर लें तो और यहां पे एसोसिएशन क्या है अगेंस्ट हाई इंडस्ट्रियल टर्म्स ऑफ ट्रेड

कि मिनिमम टर्म्स ऑफ ट्रेड तो यहां पे क्या होगा कि जो आपके पास प्राइस के यहां पे जो भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है बाय द एग्रीकल्चर बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर होल दैट आउटपुट इज यूज्ड टू मेक पेमेंट टू दी वर्कर्स और वो पेमेंट टू दी वर्कर्स को हम क्यों कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस क्या जी इफ इंडस्ट्रियल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या जी यहां पर मिनिमम टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या होगा ग्रोथ इज इक्वल टू जीरो फिर इसी पैटर्न पे जब हम बात करते हैं कि जी आर वेरी लो, तो उस उस केस में क्या होगा? तो जो भी आप कहें आउटपुट प्रोड्यूस करेगा बाय द इंडस्ट्री होल ऑल ऑफ दैट आउटपुट विल बी यूज्ड टू कैरी आउट फ्री इन्वेस्टमेंट और यहां पे क्या होगा कि मैक्सिमम ग्रोथ रेट दैट कैन बी अचीव्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर मैं यहां पे रिलेशनशिप की बात करूं बिटवीन इंडस्ट्रियल टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ग्रोथ तो मैं कह सकता हूं देर इज अ पॉजिटिव एसोसिएशन के एक थ्रेशोल्ड लेवल होगा जिस जगह पे ग्रोथ इक्वल टू जीरो होगी और एक आपके पास मैक्सिमम लेवल ऑफ ग्रोथ होगा जब आप अगेंस्ट अ मैक्सिमम अटेनेबल लेवल ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर द इंडस्ट्री के हाइएस्ट लेवल ऑफ हाइएस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर दैट कैन बी अचीव बाई द इंडस्ट्री